मंच पर असीम केंद्रीय सरकार के मंत्री और आगरा के लोकप्रिय सांसद श्री एसपी सिंह जी बघेल, मेरे बड़े भाई और जिनके दिए हुए कीड़े ने मुझे यहां तक पहुंचाया, राजनीति का कीड़ा उन्होंने दिया। जब विद्यार्थी परिषद में 54 में मेंबर बनते थे तब इन्होंने मेंबर बनाया था और वो जो वायरस डाला मेरे शरीर में वो यहाँ तक पहुँचा गया उसको। इसके लिए मैं गुरु रामल जी का हमेशा एहसान मिल रहता हूँ, मेरे बड़े भाई के साथ बड़े ऐसे गुरु रामल जी। श्री राजीव जी, अरजीत सिंह जी, पी आर अकील अहमद जी, राकेश गर्ग जी, नीरज गर्ग जी, मोतीलाल सेठी जी, चौधरी बाबूलाल जी, कैप्टन राणा जी, उपस्थित आगरा के अलग अलग क्षेत्र के, खासतौर से तो गुड़वेर के ही हैं लेकिन फिर भी अलग अलग क्षेत्र के प्रतिष्ठित महानुभावगण, मातृशक्ति। पूरन डावर जी के लिए दो पंक्ति अभी किसी ने लिखी, इन्होंने सुनाई, लेकिन मैं कहूंगा इस मीट को देखते हुए और जो उनके विजन है उसको देखते हुए कि मैं अकेला चल पड़ा था राहे मंजिल में मगर, मैं अकेला चल पड़ा था राहे मंजिल में मगर, लोग जो मिलते गए और कारवां बनता गया। एक छोटी सी दुकान सदर से शुरू किया शू का काम और इस स्थान पर पहुंचकर एक बड़ी टीम इकट्ठी करना, यदि ये कोई कर सकता है तो पूरन डावर जी ही कर सकते हैं। और जैसा संचालक महोदय ने एक सेंटेंस बोला था उसको दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, ये सही है कि अकेला व्यक्ति यदि चलेगा तो जल्दी अपने मुकाम तक पहुंचेगा, लेकिन बड़ा मुकाम और दूर का मुकाम हासिल करना है तो एक टीम लेकर चलना पड़ेगा, तभी दूर का मुकाम और बड़ा मुकाम हासिल होगा। और वो उन्होंने एक पहले मुकाम स्वयं कायम किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके बाद एक टीम पूरे आगरे को जूता उद्योग के टीम के रूप में जोड़कर आगरे का जूता उद्योग कैसे बने, आगे बढ़े, इसका जो चिंतन किया है उसके लिए निश्चित रूप से पूरा